हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखते हैं आप एकदम ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। तो सीन कुछ ये है कि ब्लॉग आज का मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ताहिर बहुत बिजी है, वो ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉग अब शूट करना है। यस, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ओके, तो जी आपने देख लिया मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आई हूँ अपने भाई के घर पे, मेलिना के घर पे। ये मेलिना मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, मेरी भतीजी है, तो मैं आई हूँ इनके घर पे। हम क्यों आए हैं इनके घर पे? हम आए इनके घर पे स्टे करने के लिए, वो इसलिए कि हमारे एरिया में लाइट नहीं है बारिशों की वजह से और ये सब चीज़ों से। हमारे जो एरिया का PMT है वो कर गया ब्लास्ट, तो अब के इलेक्ट्रिक वाले आए थे, उन्होंने PMT सही किया था बट वो दोबारा से ब्लास्ट कर गया है, तो अब कब लाइट आएगी क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो अब सीन ये है कि हम लोग यहीं पर हैं, आई थिंक यहीं पे स्टे करने के लिए आए हैं, तो हो सकता है शाम तक या कल तक लाइट आ जाए, फिर हम लोग घर वापस चले जाएंगे। और बस यही है, और हम लोग काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग नहीं दे पा रहे बिकॉज लाइट का बहुत इशू था, फ़ोन चार्ज हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, बड़ा मसला था, इसलिए फिर हम लोग ब्लॉग वगैरह भी नहीं दे पा रहे थे। अब यहाँ पर आए हैं, कल हम लोग आए थे लेकिन कल गर्मी और इस सबसे थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, सेट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट किया जाए, आप लोगों से मिला जाए। सो बस आज हम लोग यहीं पर हैं, यहाँ पर हम जो भी करेंगे पूरा दिन में आपको रूटीन दिखाऊँगी, बताऊँगी, आपसे शेयर करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा अभी भी आपको दिखाएँगे। फिलहाल तो हमारे बच्चे जो है खेल रहे हैं, एजो भी और मेलिना सब खेल रहे हैं, लगे हुए अपने अपने कामों में, और भाई और भाभी गए हुए अपनी जॉब्स पे। भाभी ने कल भी ऑफ कर लिया था और आज भी भाभी थोड़ा लेट गई हैं कि मैं थी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने उनको समझाया। हाँ जी, तो अब सीन कुछ यूँ है कि अभी तो फिलहाल मैं फारिग बैठी हुई हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, थोड़ी देर में हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे, तो आज खाना मैं बनाऊँगी। मैंने भाभी को रात में कह दिया था कि भाभी कल का जो खाना है लंच वो मैं बनाऊँगी, तो मैं आज बनाऊँगी चिकन बिरयानी। और जो बाजी यहाँ पे होती हैं भाभी के पास मेलिना को देखने के लिए, कल उन्होंने खाना बनाया था, तो मैंने उनको भी आज कहा था सुबह में जब वो आई थी, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था हमें, तो मैंने उनको भी कहा था कि आज प्लीज़ आप नहीं खाना बनाना, आज मैं खाना बनाऊँगी, तो लेकिन वो मेरी हेल्पफुल करेंगी। तो जब हम किचन में जाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, जो भी हम करेंगे खाना बनाएँगे मैं और बाजी, तो हम मैं आपको मिलती हूँ और फिर आपको दिखाएँगे हम कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इतने बड़े कोई मैं मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत आता है, जो भी आता है जो भी है वो हम आपको दिखाएंगे। और फिर उसके बाद भाई और भाभी जब घर आएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होता है बिरयानी खा के, मैं आपको उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद, स्टे ट्यून्ड, बने रहे हमारे ब्लॉग में। जी, तो ये हमारी चिकन, हमारे पास ये बिरयानी मसाला आ गया, वो हमारे आलू, और मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैं ब्लॉग शूट करना भूल गई थी, मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया था और टमाटर भी मैंने डाल दिए, बस उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे अपनी चिकन। और चिकन को सबसे पहले फ्राई किया था मैंने, हल्का सा फ्राई करके, फिर उसके बाद मैंने ये अपना सारा मसाला किया। अब इसमें सारे मसाले मैंने अभी डालने हैं, अभी कुछ नहीं डाला, अभी सिर्फ इसमें प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें टमाटर है, ठीक है? तो जैसे जैसे आगे स्टेप करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं इसमें डाल दूँ नमक, हम लोग थोड़ी स्पाइसी बिरयानी सब पसंद करते हैं, उस हिसाब से मैं ये डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक इसलिए पहले डाल दूँ कि इससे पूरे टमाटर और सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी से बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा उसमें सारा। तो अभी मम्मा डाल रही है रेड चिली, और ये मम्मा ने डाल दी रेड चिली 1.5 स्पून, क्योंकि हम लोग पाइस खाते हैं ना, आप लोग अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी आपको डालना है, जितना जितनी आप स्पाइस खाते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला, फिर बाद में इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती है, अगर कम लगेगा तो फिर हम इसमें और डाल देंगे। शामिल कर दिया अपना चिकन और मैं इसको करेंगे भूनूंगी अच्छे से, जितना अच्छे तरीके से आप इसको भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा होगा, मसाले सारे इसके चिकन के अंदर तक चले जाएंगे, तो टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार होगा।
अच्छा तो मैं इसको तकरीबन भी 15 से 20 मिनट में फ्राई करूँगी और सॉरी भूनूँगी, फ्राई करूँगी, एक ही बात है ना, फ्राई करो भूनो, एक ही बात है। आवाज़ नहीं जा रही। उसके बाद ही हमारे आलू हैं कट हो गए हैं, वॉश भी हो गए, कट कर दिए भाजी ने। अब मैं थोड़ा सा चिकन को भून के उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। फिर उसके जी इसमें मैंने चिकन आलू सब शामिल करे थे, मसाले भी आपके सामने मैंने डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था सिर्फ इमली और आलू बुखारा, अलग से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला था क्योंकि उससे फिर ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ये थोड़ा आलू गल जाए तो बस फिर हम अपने राइस बॉयल करेंगे और फिर इसको ना तय लगाएँगे। तो ये अभी पक रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये चावलों के लिए हमने पानी भी रख दिया था, इसमें हमने साबुत गर्म मसाला और नमक और हल्का सा ऑयल शामिल करके अब इसको हम लोग बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैंने ये बॉयल होगा तो फिर हम लोग शामिल करेंगे अपने राइस। और ये मेरे सालन का फाइनल लुक, लोन लो आपको नज़र आ रहा है कि सही कि नहीं, ये है। मैंने टेस्ट करवाया भाजी को तो कह रही हैं अच्छा है। अब लेट्स सी कि बाकी सबका क्या रिएक्शन है। ये हो गया, बस अब चावल बॉयल हो जाए तो फिर हम लोग अपनी तय लगाएँगे और दम देंगे, बिरयानी रेडी। ये मामा कर रही हैं बिरयानी की तय लगा रही हैं। हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो हेलो हेलो, सॉरी सॉरी आंटी, हेलो। और ये मम्मा ने भी डाले चावल, तो सही बात आंटी को देखो। और ये है मेरी बहन मेलिना, मिलो। और ये फिर से बस ये तय लग रही है, तय लगने के बाद आपको फाइनल लुक देते हैं। बाय बाय। ये देख लें जी, हमारी बिरयानी हो गई है रेडी, सैलेड, रायता। भाई भाभी अभी तक आए नहीं हैं, ना ताहिर अभी तक आए हैं, तो उनका रिएक्शन मैं आपको बाद में दूंगी, पहले बच्चों का और बाजी का रिएक्शन आपको देते हैं कि कैसी बनी है, इनसे पूछते हैं। मैं लेके जाती हूँ अंदर, फिर आपको मिलती हूँ। कैंजी और शैरो खा रहे हैं, ये बाजी अभी खाने लगी हैं। ये मेलू के थोड़े से हम लोग वाइट निकालते हैं पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं पसंद करती ना, फिर ये छोटी है तो अभी इनका रिएक्शन चेक करते हैं। यस ओके कैंजी, कैंजी ने शर्ट नहीं पहनी हुई, इग्नोर कीजिएगा, इसे गर्मी लग रही है। चले अभी बाजी अपना जो है ना ऑनेस्ट रिएक्शन देगी बाजी, क्योंकि बच्चों को तो हर चीज़ अच्छी लग जाती है, बड़ों का थोड़ा होता है। तो बाजी अपना रिएक्शन देंगी। चलें बाजी बताएं आप खा के, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। जबरदस्त बनी, चले थैंक यू सो मच। तो बाकी अभी भाई भाभी और ताहिर का रिएक्शन आपको दिखाएंगे जैसे जैसे वो घर आएंगे। तो अब मैं भी खा लूँ खाना और आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद। ताहिर अभी खाने लगे हैं खाना, तो इनसे भी रिएक्शन लेते हैं बिरयानी का। थैंक यू सो मच। और भाभी ने भी खाना खा लिया था बट वो मैं शूट करना भूल गई थी, भाई लेट आएंगे तो उनका रिएक्शन तो हम ले नहीं पाएंगे। और भाभी ने खा लिया था पर उस टाइम मैं व्लॉग शूट करना भूल गई थी, हम लोग बातों में दोनों बिजी हो गए थे। तो लेकिन भाभी को भी बहुत पसंद आई थी। और क्या से कहते हैं, बस यही है आज का व्लॉग है हमारा। और बस ताहिर अभी आ गए, खाना वाना खाएंगे, बच्चे हमारे सो चुके हैं, ये देखें बच्चे सोए हैं। ये हमारी मेलिना भी सो गई, शैरो सो गया, कैंजी कैंजीरा और एजी भी सो गया। अभी अनकरीब में लीनू का एक इवेंट आ रहा है, मिली की बर्थडे है, उसके जो भी सेलिब्रेशन होगी वो सारा व्लॉग, उसकी तैयारियां, अब बस वही व्लॉग आपको आगे देखने में मिलेगा। और हम आपको इसकी बर्थडे और सब दिखाएंगे, फिर इसकी बर्थडे वाले दिन में आपको अपनी पूरी मेकअप फैमिली से मिलवाऊंगी, अपने भाइयों से, भाभीियों से, बच्चों से, चाची चाचू से, सब से आपको उस दिन मिलवाऊँगी भी। तो अभी बस ताहिर खाना खा लें और फिर आपको मिलते हैं हम बाद में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज का हम लोग सुबह ने शुरू किया था क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था, ऑफिस में भी और थोड़े घर के भी काम थे, इसलिए तो अभी मैं अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11 बज रहे क्योंकि अभी मैं जॉब से पहुंच रहा हूँ घर पे, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।